हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग का चल रहा है प्रिज्म के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सेशन, और मुझे बच्चों पूरी उम्मीद है कि आप लोग डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स एंजॉय करने लगे होंगे। अच्छा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पार्ट एक ऐसा होता है कि बच्चे खास बहुत से बड़े बहुत डरते हैं, तो खासकर बायोलॉजी वाले तो बहुत ही डरते हैं न्यूमेरिकल्स। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप और हर तरह के न्यूमेरिकल्स हम लोग लेके चल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप लोग न्यूमेरिकल्स बड़ा बहुत एंजॉय कर रहे हो। तो ये न्यूमेरिकल्स बड़ा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनसे ना तो सिर्फ ये के एग्जाम में आते हैं, हर फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद न्यूमेरिकल्स अगर हम कर लें तो मालूम है आपको हमारी थ्योरी पक्की हो जाती है। थ्योरी अगर हमारी स्ट्रांग है तो हमसे फार्मूला डेरिवेशन हो जाएंगे, और फार्मूला डेरिवेशन हम करने लगेंगे तो हमसे न्यूमेरिकल्स होने लगेंगे, और न्यूमेरिकल्स हमसे होने लगेंगे तो हमारी थ्योरी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद है कि मेरी कोशिश तो यही है कि आपको इतने सारे हर वैरायटी का न्यूमेरिकल करा दूं ताकि आपको किसी तरह के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आए। न्यूमेरिकल, एमसीक्यू, हर तरह के क्वेश्चन हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होप के आप लोग डेफिनेटली एंजॉय कर रहे होंगे, और आपका फिजिक्स का में न्यूमेरिकल का डर तो निकला होगा, ये मेरे मुझे पूरा यकीन। तो अब आज हम क्या करेंगे, आज हम प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, और क्या करेंगे, आज हम डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म उसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, कॉज ऑफ डिस्पर्शन क्या है हम वो भी डिस्कस करेंगे, डिस्पर्शन क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा कि मुझे अभी अपन का प्रिज्म का केस चल रहा था, प्रिज्म के ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। लास्ट टर्न में हम लोगों ने डिस्कस किया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड मीन्स रिलेटेड विद प्रिज्म। तो इतने वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं प्रिज्म एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल के ऊपर बेस्ड, और ये CBSE में और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मुझे कराना बहुत जरूरी है, भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए तो क्या हुआ, हमें खास तो हमें बैठे तो हम सीखने के लिए कुछ छूट ना जाए। तो आज एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करें, एक या दो प्रॉब्लम आपको और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या क्रिटिकल एंगल के ऊपर बेस करवाऊंगा, फिर आज हम प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है बच्चों। तो एक प्रॉब्लम आपके लिए मैं लिख रहा हूं, ये प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम बच्चों CBSE में 2 या 3 बार आ चुका है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ चुका है। ये खास बात इसकी, मेंस में भी आ चुका है, JEE मेंस में भी आ चुका है, और ये CBSE में भी आ चुका है, और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आप लोग डेफिनेटली एंजॉय करोगे। अपना न्यूमेरिकल सेशन चल रहा था, ये है ना, न्यूमेरिकल सेशन चल रहा था बेस्ड ऑन प्रिज्म एंड TIR एंड क्रिटिकल एंगल, ये चल रहा था अपना, है ना, ओके। इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब आज क्या प्रॉब्लम लेके चल रहा हूं मैं, सबसे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, आप लोग को बड़ा मजा आएगा इस प्रॉब्लम को समझने में, देखने में आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये वाली। तो मुझे एक राइट एंगल्ड प्रिज्म दिया हुआ है, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म ये 90 डिग्री का दिया हुआ है, मान लिया ये मैंने बी है, और ये इसको साइड को ए मान लिया, इसको मैंने मान लिया बी, और ये एंगल 45 और ये वाला एंगल भी 45 है। तो इससे रिलेटेड तो बहुत सारी प्रॉब्लम हम इसके पहले कर चुके हैं। तब दिया क्या है इसमें, आपको दिया है कि 3 डिफरेंट कलर की रेज ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल इंसिडेंस किसके ऊपर, नॉर्मल ऑन द फेस ए बी, ये 3 कलर्स की रेज ऑफ लाइट है। ये कौन से कलर की दी हुई है, हमें दी हुई है ये ब्लू कलर की, और ये दी हुई है ग्रीन कलर की, और ये दी हुई है रेड कलर की, ये रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट है, ठीक है। अच्छा, और मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना दिया हुआ है ब्लू कलर का, दिया है 1.47, और ग्रीन कलर का कितना दिया हुआ है 1.44, और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.39 दिया हुआ है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि ट्रेस द पाथ ऑफ रेज, ये क्वेश्चन है अपना, ट्रेस द पाथ ऑफ रेज, ये क्वेश्चन हो गया। एक राइट एंगल प्रिज्म है, उसके वर्टिकल फेस के ऊपर ब्लू ग्रीन रेड कलर की 3 कलर की डिफरेंट कलर की रेज नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, और ब्लू कलर का ग्रीन कलर का रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के मटेरियल के लिए अलग अलग दिया है, क्योंकि लाइट की सब में स्पीड अलग अलग होती है, इसलिए हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। रेड कलर के लिए स्पीड किसी मीडियम में मैक्सिमम होती है, तो रेड कलर का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लीस्ट, और वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है। रिमेम्बर ब्लू कलर का भी ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैटेगरी में आता है। ठीक, ओके, अच्छा अब ये दिया है, उसके बाद ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन में क्लैरिटी आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं होगी, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। और क्वेश्चन समझने के लिए आपके बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, आपके सारे डेरिवेशंस क्लियर होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो अब फिजिक्स में हमें करना क्या होता है, मालूम है फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली उसके स्टडी करो तो अब इसमें डिफिकल्टी नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी स्टेज आने लगती है कि आप इसको एंजॉय करने लगते हो। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो जो क्लास थ्योरी क्लास है, बड़े ध्यान से एक एक चीज उसको समझो, ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन, जब पढ़ाया जा रहा हो तो पूरे कंसंट्रेशन से, वही तो खास होता है। अगर वो वाला पार्ट मिस कर दिया तो फिर आगे तो प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। तो जब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप समझाए जा रहे होते हैं, कोई एक चीज समझाई जा रही होती है, तो उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक, अच्छा, उसके बाद जब एक बार थ्योरी समझा दी जाती है, उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड डिफरेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनके फॉर्मूलाज और डेरिवेशन होते हैं। फिजिक्स में ये तो होता है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थ्योरेटिकल पार्ट समझा दिया, फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूले ड्राइव करवा दिए। अब जब फॉर्मूला ड्राइव हो गया, अब क्या, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज, यही है। अब आप ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लो, थ्योरी के ऊपर बड़े ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि अगर डाउट होता है तो डाउट अपने क्लियर भी कर लो। अभी तो खैर आप डायरेक्ट क्लास टू क्लास इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, लेकिन ऐप में आप आएंगे तो क्लास मीन आप इंटरेक्शन भी कर पाएंगे, जैसे जूम है, बाय द वे ऐसे ही बोल रहा हूँ, जैसे जूम ऐप है तो उसमें आप हर कोई बच्चा मीन्स वर्बली क्वेश्चन भी पूछ सकता है, उसका ध्यान जवाब इंटरेक्शन प्रॉपर इंटरेक्शन होता है, जवाब भी मिल जाता है, या जो भी ऐप होगा उसमें भी अपना इंटरेक्शन सेशन स्टार्ट होगा। तो अब जब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो अब उसके बाद आता है डेरिवेशन का पार्ट। डेरिवेशन के बाद आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, अब आप न्यूमेरिकल्स के लिए रेडी हो गए, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल्स आप करोगे तो पता चलेगा कि यार हमारी थ्योरी और पक्की हो गई, तो यही तो चाहिए हमें। और आप ये करते जाओगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम फिजिक्स आप में आप एंजॉय करने लगोगे, और मैं चाहता हूं कि आप डेफिनेटली फिजिक्स एंजॉय करें। ठीक, चलो एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये होपफुली कि ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। क्या मतलब हुआ, ट्रेस द पाथ ऑफ रे। अब ये पाथ ऑफ रे निकल के कहां जा रही है, फेस ए बी के ऊपर आ रही है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, और अब ये रे ऑफ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या इट विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहां से बाहर आएगी कि यहां से निकलेगी, ये पता करना। क्या सारी की सारी फेस ए सी से निकल जाएंगी, या सारी की सारी फेस बी सी से निकलेंगी, बी सी हो गया ये, है ना, या कुछ फेस ए सी से और कुछ फेस बी सी से, यही तो हमें करना है, यही। अच्छा, अब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आता है, क्या आता है कि ब्लू कलर विल कम आउट थ्रू फेस ए सी एंड ग्रीन एंड रेड विल कम थ्रू फेस बी सी, ऑप्शन नंबर वन। ब्लू एंड ग्रीन विल कम आउट ऑफ फेस ए सी एंड रेड विल कम आउट ऑफ फेस बी सी, ऑप्शन नंबर थ्री। ऑल द थ्री रेसेस विल कम आउट ऑफ फेस ए सी, ऑप्शन नंबर फोर। ऑल द थ्री रेज विल कम आउट ऑफ फेस बी सी, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ठीक, ओके, चलो अब आज इसको हमें यहां क्या करना है, हमें करना है ट्रेस करिए पाथ। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा रे ऑफ लाइट इस फेस से निकलेगी, कौन सी रे ऑफ लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, चलिए इस प्रॉब्लम को हम करते हैं अटेम्प्ट। देखो, हम जानते हैं ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है थीटा सी, कितना होता है बच्चों, याद है ना, यस 45 डिग्री होता है ना। अच्छा, अब ये एंगल 45 है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां में ये आपकी प्रॉब्लम अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया आपने, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा है? ये 45 डिग्री का होगा तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा, तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा सबके लिए, नॉर्मल इंसिडेंस। तो जो नॉर्मल इंसिडेंस होती है, सारी रेज ऑफ लाइट सीधे निकल जाती है, ये तो हम कर चुके हैं, अब इसमें दोबारा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सबके लिए ऑल फॉर ऑल द थ्री रेज एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, तो आई कितना है हमारा यहां 45 डिग्री, दैट इज आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, क्योंकि थीटा से 42 है, हमारा आई 45 है, सब जगह कैसे होता है हम सब इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये अब ये आई की जो भी वैल्यू है ये टोट मीन्स थीटा सी से ग्रेटर है। अब जरा हम देखें,
एन क्या होता है? एन होता है, क्या होता है? अच्छा, यहां पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहां सबके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इतनी दी हुई है, एन इक्वल टू हम जानते होता है 1/sin θc, होता है ना, होता है ना। अच्छा, अब यहां पर हम जानते हैं कि ये तो डिफरेंट कलर के लिए ही है, ग्लास के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है? ग्लास के लिए रिमेंबर एन की वैल्यू होती है √2। ठीक है ना बच्चों, बात समझ आ रही? अच्छा, अब यार मैं एक काम ये करता हूं, मैं थोड़ा और इजी करूं इसको, ये मीन कलर के लिए है, मैं इसको और थोड़ा इजी कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं, दोनों साइड का साइन लेता हूं, टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, साइन अपनी एक दो स्टेप और कम हो जाएंगी। बड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है, बड़ा अच्छी प्रॉब्लम है, यू विल एंजॉय इट। साइन आई इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी, क्या किया, दोनों साइड का साइन ले लिया। अब एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला? अब ये साइन थीटा सी की बात हो रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, तो उनमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, और हम जानते हैं इनमें रिलेशन क्या है। इनमें रिलेशन है एन इज इक्वल टू 1/sin θc, तो साइन थीटा सी क्या होगा, 1/n होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं साइन 45 डिग्री, है ना, इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी की जगह मैं लिख देता हूं 1/n। अच्छा, अब साइन थीटा 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/n। इट मींस अगर n इज ग्रेटर, क्रॉस किया, n इज ग्रेटर देन √2, दैट इज n शुड बी ग्रेटर देन 1.414 t i r। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन आ गई। बहुत क्विक रिकैप, ये हम जानते हैं कि यहां पर आई जिसकी वैल्यू 45 है उससे थीटा सी से ग्रेटर है, दोनों साइड का साइन ले लिया, तो आई की वैल्यू साइन 45 है, साइन थीटा होता है 1/n, तो 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/n, कंडीशन आ रही है एन शुड बी ग्रेटर देन √2, दैट इज 1.414। बच्चों यहां तक तो क्लियर है ना? अब आधे बच्चे तो प्रॉब्लम यही समझ गए होंगे, सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। देखो, जिस रे के लिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.41 से ग्रेटर है, इट विल सफर TIR। तो ये वाली क्या रे सफर करेगी, ब्लू कलर की TIR? यस, ये करेगी। ये वाली करेगी, यस, इसका भी TIR होगा, इसका 1.44 है, इससे ग्रेटर है। और ये वाली रे करेगी, नो, ये वाली रे TIR सफर नहीं करेगी, इसके लिए यस स्माइली, है ना, इसके लिए यस, देयर इज अनदर स्माइली फॉर ब्लू एंड ग्रीन, फॉर रेड नो TIR। ठीक, तो अब ब्लू कलर का TIR हो गया, रेड का, ग्रीन कलर का TIR हो गया, ये ब्लू कलर की रे आ गई और ये ग्रीन कलर की रे आई, तो फिर व्हाट विल हैपन टू द रेड कलर ऑफ लाइट? उसका TIR नहीं होगा, वो स्पेस से ऐसे बाहर आ जाएगी, रेड कलर की रे ऑफ लाइट। बस इतनी सी प्रॉब्लम थी, 3 मार्क्स की आती है, सीबीएसई में, नोट कर लो, होपफुली पड़ेगी। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी ये, आपने सबने डेफिनेटली एंजॉय भी किया होगा, सब बच्चों नोट कर लो। पर एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, मेरा दिल चाह रहा है कि आज प्रिज्म स्टार्ट करना था, टाइम बड़ा शॉर्ट है, लेकिन मैं रोक ही नहीं पा रहा हूं कि आप इतने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, बड़े एंजॉय करने वाले प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा यार बच्चे को ये क्यों बचा दूं, ये क्यों नहीं कराऊं, भी एक और प्रॉब्लम करवाऊंगा, फिर उसके बाद प्रिज्म शुरू करेंगे। होपफुली कि सबने समझ भी लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। जब तक ये पार्ट मिटा दूं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो, है ना बच्चों, एंजॉय किया ना सबने? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने डेफिनेटली ये प्रॉब्लम एंजॉय की होगी। ओके 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 ओके, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अच्छा, ये जेई मेंस की आ चुकी है, अगली प्रॉब्लम एम्स की बता लेके आ रहा हूं आपके लिए। एम्स का और जेई मेंस का लेवल एक ही होता है, याद रखो। तो क्या प्रॉब्लम है नेक्स्ट? ये प्रॉब्लम है आपकी एम्स 2017 की, एम्स 2017 में भी 16, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर किसी की, पर प्रॉब्लम ये है कि एक ग्लास का रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिया हुआ है, ये ठीक, ओके,
अच्छा, अब क्या पूछ रहे हैं इसमें, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल फेस से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, कौन से फेस के ऊपर, इसके हॉरिजॉन्टल फेस के ऊपर, एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, 45 डिग्री के ऊपर ये इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि जब ये रे ऑफ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो इट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर इनटू डेंसर, व्हाट विल हैपन, यस इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहां दो बातें होंगी, जैसे इसके पहले प्रॉब्लम में देखा था हमने कि इट मे सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इट मे ऑल्सो मूव अलोंग द ग्रेजिंग एंगल, इट मे ऑल्सो मूव इन मीन्स अवे फ्रॉम द पाथ। ये तीनों पॉसिबिलिटी है, हो सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, हो सकता है ग्रेजिंग एंगल हो सकता है कि ये रे ऑफ लाइट का सिंपल रिफ्रैक्शन हो और ये डेंसर से रेयर में आने के लीक की वजह से बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाए। अच्छा, अब यहां मान लिया मैंने कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि जब रे ऑफ लाइट हॉरिजॉन्टल फेस से 45 डिग्री के ऊपर एंटर होती है तो जब ये रे ऑफ लाइट वर्टिकल फेस के ऊपर आती है, इट जस्ट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों, जब भी ये टर्मिनोलॉजी आती है जस्ट, राइट, लाइट जस्ट मिसेज एंटरिंग सेकेंड मीडियम, लाइट जस्ट मिसेज एंटरिंग सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम को जस्ट मीन्स एंटर करने से मिस, जरा सा मिस करती है, या जस्ट मिसेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये घुमाने के लिए होता है। मतलब ये कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये हमारा क्रिटिकल एंगल होता है, रिमेंबर, और इस कंडीशन में ये वाला एंगल हमें लेना होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये बच्चे ये वाली चीज एक समझ में नहीं आ पाती कि जस्ट मिसेस का मतलब क्या हुआ, जस्ट मिसेस एंटरिंग सेकेंड मीडियम, जस्ट मिसेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट या तो एक बड़े स्लाइटली स्मॉल एंगल से, या तो जैसे 90 बाय द वे ये है तो ना, ये 89 डिग्री से या 91 डिग्री है ना, मतलब इतना मामूली सा एंगल कि हम उसको कंफर्टेबली राउंड ऑफ करके 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है ना, मतलब ये इसका। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो घबराना नहीं। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम के ऊपर आगे आते हैं कि ये प्रॉब्लम हमसे पूछ क्या रहा है। ये बोल रहे हैं कि दिस रे ऑफ लाइट ऑन रीचिंग द वर्टिकल फेस जस्ट मिसेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये बोल रहे हैं साहब, बताइए कि ग्लास जिसका स्लैब है ये, इसके मटेरियल का टोटल इंटरनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, और इन्होंने कुछ ऑप्शन भी दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है √3 √3/2, फर्स्ट ऑप्शन ए होल √3/2, ऑप्शन बी दिया इन्होंने क्या है, ऑप्शन बी √2 + 1/2, ऑप्शन सी √3 + 1/2, ऑप्शन डी √3/2, दीज आर ए फ्यू ऑप्शंस दैट आर गिवन टू अस, ठीक है, आप नोट कर लीजिए प्रॉब्लम ये वाली। ओके, ठीक। अच्छा, यहां ये सब 90 माइनस था और ये सब कुछ नहीं दिया था, बस उन्होंने बोला यहां बना हुआ था ये, कुछ नहीं बेटा, देखो जरा ध्यान से, एक सिर्फ ये ब्लॉक बना हुआ था और एक इंसिडेंट रे थी, और क्या लिखा था, जब रे ऑफ लाइट आती है, कुछ बना हुआ नहीं था, हमने बनाया है ये। ये बोलते हैं कि जब वर्टिकल फेस पे आती है द लाइट जस्ट मिसेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सिर्फ ये लिखा था, ये सब तो हमने बना दिया बाद में, तो आपको बनाना आना चाहिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप बड़े ध्यान से पढ़ो प्रॉब्लम क्या है, और अगर प्रॉब्लम समझ में आ जाती है ना, तो प्रॉब्लम एक बार समझ में आ जाए तो उसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता, खास तो प्रॉब्लम समझना ही होता है। होपफुली कि ये प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई होगी, तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं यार, यहां मैं लगाता हूं ये एयर है, इट इज एयर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, इसका n2 इक्वल टू कितना होगा, ng होगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो जब एंगल दिया हो, लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की इंडाइसेस की बात हो रही है, तो बच्चों कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, यस स्नेल्स फॉर्मूला, यहां भी आ गया, हाँ यहां भी आ गया, पीछा नहीं छूटेगा इससे, नहीं छूटेगा, क्योंकि ये आपके प्रॉब्लम्स को बड़ी आसान, बहुत आसान कर देता है, क्या आगे भी आएगा, आगे तो और भी बहुत आएगा, बड़ा आसान
कर देता है, आगे डेरिवेशन नहीं यूज करेंगे हम लोग। तो स्नेल्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और उससे बड़ी आसान हो जाती है। चलो अब मैं मालूम करता नहीं है प्रॉब्लम, मैं बोलता बच्चों आप मुझे स्टेप्स बताओ मैं लिखूंगा। तो अब उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप सब स्टेप यहां लगा रहे हो, रे ऑफ लाइट एयर से क्लास में आई, तो मैं उम्मीद लगाओ बच्चे से बोलता बोलो बच्चों क्या फॉर्मूला लगाऊं, तो आप बोलते सब ये होगा एन वन साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, यहां आ गए ये हो गया एन टू साइन आर। बच्चों बोलते ना मुझे पूरा यकीन है, बच्चे बोलते अरे मुझे तो यकीन है कि बच्चों ने कुछ ने कर भी लिया होगा। अच्छा ये हो गया वन, और साइन 45 की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू एन जी, एन टू है और ये हो गया साइन आर। तो मैं यहां इसको क्या लिख दू, मैं इसको लिख देता हूं साइन आर की वैल्यू यहां से निकाल लू, साइन आर की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन एन जी रूट टू। बच्चों मान लो इक्वेशन नंबर वन, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये भी तो करवा रहा हूं। अच्छा अब यहां आ गए, यहां भी स्नेल्स लॉ लगा दो यार, जब लाइट वर्टिकल फेस से बाहर जाती है तो ये हो गया, दोबारा स्नेल्स लॉ लगाओ यहां पर है ना, ये ग्लास टू एयर, ये क्या था, ये था एयर टू ग्लास एट हॉरिजॉन्टल फेस एट वर्टिकल फेस। ओके तो ये हो गया हमारा एन जी है ना साइन 90 माइनस आर। आप चाहे तो क्रिटिकल एंगल ही है, डायरेक्ट क्रिटिकल एंगल और इसके बीच पर डायरेक्ट रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू यहां आ गए, ये हो गया एन टू, एन टू इज नाउ वन साइन 90 डिग्री। चलो एन जी कि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और सॉरी यार ये एन वन था मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ओ यार चलो ठीक है ये एन टू लिख देता है, चलो एन वन सॉरी। तो ये हो गया एन जी साइन, साइन 90 माइनस आर क्या होता है, ये होता है कॉस आर इज इक्वल टू एन टू, ये हो गया वन, साइन 90 की वैल्यू होती है वन, तो यहां से कॉस आर की वैल्यू आ गई हमारी वन अपॉन एन जी, ये क्वेश्चन नंबर टू। मैं बच्चों से जरूर पूछता बच्चों बताओ अब क्या करें, मुझे एन जी की वैल्यू निकालनी है और मेरे पास साइन आर और कॉस आर का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो बच्चों बताओ क्या करें क्या करें क्या करें। मुझे यकीन है बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर इसको साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला अगर हमें याद है दैट इज इक्वल टू वन, कि दोनों इक्वेशन वन एंड टू को यस अगर स्क्वायर करके एड कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बच्चों वेरी गुड शाबाश, मुझे यकीन है कि 100% यकीन है कि कुछ बच्चे जरूर ऐसे होंगे कि उन्होंने इस चीज को पकड़ लिया होगा कि हम कहां रहे वो, और ये सब कैसे आता है, ये सब आता है प्रैक्टिस। ठीक चलो करते हैं इसको अपन, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। ठीक होपफुली कि आई एम गेटिंग सफिशियंट स्पेस ओवर हियर। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, सो वी हैव व्हाट वी हैव फ्रॉम हियर, साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर है ना इज इक्वल टू, यस यू आर राइट, वन अपॉन टू लिख दो टू एन जी स्क्वायर, ठीक है प्लस वन अपॉन एन जी स्क्वायर। ठीक है एन जी स्क्वायर यहां से कॉमन ले लिया, ये वन हो गया यहां ले आया तो ये आ गया एन जी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू प्लस वन, तो एन जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, वन बाई टू प्लस वन ये हो गया थ्री बाई टू। तो बच्चों एन जी की वैल्यू कितनी, होल अंडर रूट थ्री बाय टू। बच्चों ये है क्या नहीं इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, एन जी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, तो कौन सा ऑप्शन सही बैठता है इसमें, ऑप्शन हमारा है ए, ऑप्शन इज रूट थ्री बाय टू एज यू कैन सी हियर। ठीक तो बच्चों आपने एंजॉय किया ना प्रॉब्लम ये वाला, कितना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, दोनों ही प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग थे। नोट करिए आज फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रिज्म फॉर्मूला, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बच्चों बिठा रहा हूं ये, और अब हम शुरू करेंगे प्रिज्म फॉर्मूला। अच्छा प्रिज्म फॉर्मूला से रिलेटेड आपको बच्चों एक बात बता दूं मैं, प्रिज्म फॉर्मूला बहुत आसान है, उसके अंदर बीच बीच में कुछ स्टेप्स आएंगे, उनको पकड़ लेना भूलना नहीं, प्रैक्टिस करना, उनके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं जहां जहां आपको बोलूं बेटा ये डेरिवेशन के ये जो स्टेप आए ना, इसको आप बड़े ध्यान से इसको प्रैक्टिस कर लेना, और इसकी ये जब पूछा जाए तो ये इक्वेशन सबको मालूम होना चाहिए, तो आपको बताना होगा ये आपके काम आएंगे एमसीक्यू सॉल्व करने में। तो जहां जहां मैं बताते जाऊं आप उसको
ध्यान से इतनी प्रैक्टिस करना कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते बैठे वो क्लिक कर जाए फौरन, तो वो वाली प्रॉब्लम फौरन क्लिक करना चाहिए। हाँ, तो मैं आपसे बता रहा था कि ये जो प्रिज्म फॉर्मूला है ना, ये सीबीएसई में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये तो बड़ा आसान है। ये वो वाला क्वेश्चन होता है कि जिसमें सीबीएसई बोलती है कि लुटा दो मार्क्स, सब बच्चे पास होना चाहिए। ठीक, मतलब कहने का ये कि बहुत ज्यादा हाई कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स इसमें यूज नहीं होनी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो आप ऐसा करना कि हर बच्चा इसको अच्छी तरह से समझ ले, करते करते ही समझ ले, सिंपल मैथमेटिक्स यूज होगी, इवन बायो वाले के लिए भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं जाएगी। 5 मार्क्स क्वेश्चन है सीबीएसई का, आप इसको नोट जरूर कर लेना, सीबीएसई 5 मार्क्स क्वेश्चन। और 5 मार्क्स का कौन सा वाला, हायर डिफिकल्टी लेवल वाला नहीं है भाई, ये थोड़ा सिंपल लेवल का क्वेश्चन है ये। तो आज की हेडिंग डाल दी मैंने प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला, ये इक्वी एंगुलर प्रिज्म फॉर्मूला है। डायग्राम मुझे लग रहा थोड़ा और बढ़ा दूं, स्पेस अवेलेबल है ताकि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए, साफ साफ दिखना भी चाहिए। और बड़ा डायग्राम ले लिया, क्यों नहीं ले जब स्पेस अवेलेबल है, बच्चों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए। ओके, तो एज यूजुअल ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, बीसी इसका बेस है, एक रे ऑफ लाइट यहां एंटर हुई, ये ओहो पी क्यू इंसिडेंट रे, यहां मैं नॉर्मल बना दूं, इस सरफेस के ऊपर मैंने नॉर्मल बना दिया। अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां भी एक नॉर्मल बना दिया, इस सरफेस एसी के ऊपर ये डी पे मिलती है दोनों आके, ये रिफ्रैक्टेड रे मान लिया मैंने R1, ये भी रिफ्रैक्शन एज है, तो ये एंगल मैंने मान लिया R2। अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी रे ऑफ लाइट ये, और जब प्रिज्म से पास हुई तो ये, अच्छा बच्चों एक बात को ध्यान रखना, जो ये प्रिज्म प्रैक्टिकल में भी है, ये फॉर्मूला प्रैक्टिकल में भी यूज होगा, प्रिज्म के ऊपर बेस्ड जो फॉर्मूला है वो आपको एग्जाम में ड्राइव करने के लिए आता है, प्रैक्टिकल भी है ये, तो इसके वाई वाई क्वेश्चन इसके आपको पूछे जाएंगे। तो अब जरा देखो यहां की एंगल ऑफ डिविएशन होता है क्या, ये रे ऑफ लाइट इस फेस से बाहर निकल जाएगी, देखो यहां रेरर टू डेंसर बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, या डेंसर टू रेरर बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन ऐसे बैंड हो जाएगी, ये ऐसे बैंड होगी। ठीक है, पी क्यू इंसिडेंट रे, क्यू आर रिफ्रेक्टेड रे, आर एस, बच्चों कोशिश ये करूंगा कि ये जो प्रैक्टिकल करना है ना, ये एग्जाम में प्रैक्टिकल करना कैसे, मैं आज ही करवा दूं यार, आज प्रिज्म को डेडिकेट करते हैं पूरा। बच्चों ये 2-3 टर्न अगर मेरे बढ़ जाए ना इसमें, मैं तो चाह रहा था कि जल्दी वाइंड अप करूं, लेकिन जब मैं पढ़ाने बैठता हूं तो मुझे आता है यार ये भी करा दो, यार ये भी करा दो, यार ये भी करा दो, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम में करना कैसे, मैं आपको डेफिनेटली आज बताऊंगा यार कि प्रैक्टिकल एग्जाम में करना कैसे, भले ही मेरे 2-3 टर्न बढ़ जाए तो मैं नॉलेज तो गेन कर रहा है ना, इंपॉर्टेंट है ये, तो आज मैं आपको डेफिनेटली थोड़ा यहां टाइम लेके बताऊंगा कि प्रैक्टिकल किस तरह किया जाए। ओके, तो ये देखो हो गया एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा, रे ऑफ लाइट ने फर्स्ट डिविएशन यहां सफर किया Δ1, सेकेंड डिविएशन यहां सफर किया Δ2, और ये इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इमरजेंस E, और इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल होता है I। बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, इसको ड्राइव करते हैं, होपफुली के डिराइव सबने कर लिया होगा, प्रिज्म फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, 5 मार्क्स ग्रैब कर लेना सब बच्चों, 5 मार्क्स। ओके, अब मैं सबसे पहले यहां से शुरू कर रहा हूं, देखो डेल्टा कितना हुआ, Δ1 और Δ2, यहां रे ऑफ लाइट ने यहां भी डिविएशन सफर किया, यहां भी किया, है ना, तो डेल्टा इज इक्वल टू, साफ समझ में आ रहा है, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मैं यहां लिख देता हूं, सिंस डेल्टा द एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2
डेल्टा टू, ये इक्वेशन नंबर वन है। अच्छा, अब आप यहां देखें आई और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है आर वन प्लस डेल्टा वन, तो मैं इसको लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, आर वन प्लस डेल्टा वन इक्वेशन, और ढेर सारे इक्वेशन बनेंगे। इसी तरह एंगल ऑफ इमरजेंस ई, ये भी आर टू और डेल्टा टू का सम सम के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गई है, ई इज इक्वल टू आर टू प्लस डेल्टा टू इक्वेशन नंबर थ्री। तो अब ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसमें से एमसीक्यूज बनते हैं उसकी शुरुआत हो रही है बच्चों, इन दोनों को एड करते हैं, इक्वेशन टू एडेड टू इक्वेशन थ्री, आई प्लस ई इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू होता है डेल्टा, ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक, कोई खास बात, अरे कुछ भी तो नहीं है, है ना, क्या है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, सिंपल ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं। ओके, मुझे यकीन है सबको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा ये। ओके, अब जरा देखिए, हम जानते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू डी आर ए क्यू डी आर एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल, यानी एंगल क्यू मतलब एंगल ए क्यू डी और एंगल आर मतलब एंगल ए आर डी, ये 90 डिग्री के होते हैं। नंबर वन क्यों होते हैं, अरे यार ये नॉर्मल है सरफेस के ऊपर, तो ये ए क्यू डी तो 90 का और ये ए आर डी 90 का होना ही होना है, तो आई होप कि ये सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब किसी क्वाड्रिलेटरल में बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, सारे बच्चे एक ही बार में बोल पड़ेंगे 180 डिग्री नहीं 360 डिग्री। तो इस क्वाड्रिलेटरल ए क्यू डी आर में अब ये दो एंगल्स का अपोजिट एंगल्स का सम अगर 90 हुआ तो दो एंगल बचे कौन से, आप बोलेंगे एंगल ए और एंगल डी, तो एंगल ए और एंगल डी का सम कितना होगा, तो आप बोलेंगे 180। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एंगल ए प्लस एंगल डी ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या डिफिकल्ट है, नहीं है ना, डेफिनेटली नहीं। अच्छा, अब मैं आ रहा हूं ट्राइंगल क्यू डी आर पर, इन ये स्टेप्स आपको याद करने होंगे बेटे, इन ट्राइंगल क्यू डी आर, ट्राइंगल क्यू डी आर, ठीक है ना, आर वन प्लस आर टू प्लस डी, इन तीनों का सम कितना होगा, एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू प्लस एंगल डी, इन तीनों का सम भी होगा 180 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर फाइव। इसका मतलब ये भी 180 और ये भी 180, इसका मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इक्वालिटी का, यस है, तो देयरफॉर वी कैन राइट यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, लिख लेना बच्चों यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, आर वन प्लस आर टू प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस डी, डी से डी कैंसल हो गया। अब यहां ये स्पेस मुझे यूज करनी है, तो मैं यहां इसको लिख सकता हूं आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है इक्वेशन नंबर सिक्स, ये इक्वेशन नंबर सिक्स है, अगर ये आप अप्रोच आ रही है दिख रहा है, ये इक्वेशन सिक्स है। ठीक, तो बच्चों याद रखना ये जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो इक्वेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब R1 प्लस R2 इक्वल टू A की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इन इक्वेशन थर्ड में, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू फ्रॉम 6 इन इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 3, यहां सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने इसकी, तो क्या होगा I प्लस E R1 प्लस R2 कितना A प्लस डेल्टा इक्वेशन नंबर सेवन। बच्चों ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये और ये एक ही ऑलमोस्ट एक ही है, बस ये वाली वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, इतना नोट कर लो, होपफुली कि यहां तक आपको बिल्कुल डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं आई होगी, नोट कर लो बेटा।
होपफुली आप एंजॉय भी कर रहे होंगे, करना भी चाहिए। तो नोट कर लिया होगा है ना। अच्छा अब बड़े इंपॉर्टेंट स्टेज के ऊपर आ गए। मैं यहां क्या करने वाला हूं, देखो मैं ये अगर आपने स्टेप सारे यूज, चलो मैं यहां जगह ये यूज करूं, हमें एग्जाम में जब प्रैक्टिकल मिलेगा ना आपको, तो प्रैक्टिकल आपको मिलेगा तो मालूम क्या होगा आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करना होगा। जब आप प्रैक्टिकल करने बैठेंगे तो आपको ये आई कहां से शुरू करना होगा, आई 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, अप टू 60 डिग्री आपको एग्जाम में जाना होगा। थोड़ा सा बताऊंगा प्रैक्टिकल कैसे करना है, अभी थोड़ा सा ये मेरे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां लिख देता हूं मैं 30 डिग्री, 35 डिग्री है ना, 40, 45 एंड सो ऑन। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों, ग्राफ ऐसा आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू पहले डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते होते मिनिमम पे आएगी और फिर ऐसे बढ़ने लगेगी। ऐसा ग्राफ आपको प्लॉट करना होगा, ऑटोमेटिकली आएगा अगर आप सिस्टमेटिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन की कहलाती है मिनिमम वैल्यू, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। ये एंगल ऑफ डेविएशन की मिनिमम वैल्यू, और मालूम किस पर आती है ये, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस पहुंचता है अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री पर। याद रखना बच्चों, जब आप इसको 30 से 35, 40, 45 बढ़ाते बढ़ाते 50 पर पहुंचने पर आगे आप आएंगे 55 और लास्ट 60 डिग्री पर जब आप आएंगे ना, तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो यहां पता चलता है 50 डिग्री पर जब आप आएंगे तो एंगल ऑफ डिवीजन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा जब एंगल ऑफ डिवीजन की वैल्यू मिनिमम हो जाती तब होता क्या है, इस फिगर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट फेज हमारा स्टार्ट हो गया, देखना जरा ध्यान से। जब हमारा, अब इसको बहुत ज्यादा मैं थोड़ा कैलकुलस बेस्ड यहां पर मींस स्टेप्स हैं उनको अवॉइड कर रहा हूं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, मार्क्स आपको इसमें से फुल मिलेंगे। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल ऑफ डिविएशन अपनी मिनिमम वैल्यू यानी डेल्टा एम अचीव करता है, डेल्टा एम, तब मालूम है क्या होता है, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं, ई और आई इक्वल हो जाते हैं और फिगर डायग्राम बिकम्स एंड डायग्राम बिकम्स क्या, सिमेट्रिक। ये जो गिवन डायग्राम आप देख रहे हैं सिमेट्रिक हो जाता है और क्या क्या होता है, और एंगल आर वन इज इक्वल टू एंगल आर टू इज इक्वल टू आर हो जाते हैं, हमने जिनको मान लिया आर, ये सिमेट्रिक हो जाते हैं, ठीक। इतना नोट करो बेटा, क्या किया मैंने दोबारा बता दूं, जब एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, तो जब एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम वैल्यू को हिट करता है तब ये प्रूफ है इसका, कैलकुलस है, 3-4 स्टेप्स का प्रूफ है। अगर बहुत ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा एग्जाम में, उसको प्रूव करके बताओ। मिनिमा की कंडीशन लगाओगे ना आप इस फॉर्मूला में, मिनिमा की कंडीशन लगाओगे तो ये विद रिस्पेक्ट टू आई आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप देखोगे कि आई और ई की वैल्यू इक्वल आ गई, ठीक। बहुत ही आसान है यार, लगा के देखना, डिफ्रेंशिएट करना और इंटीग्रेट करो, ओके। तो आई और आर इक्वल हो जाएंगे और जब फिगर हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा फ्रॉम ऑल रेस्पेक्ट, तो आर वन और आर टू जो दोनों रिफ्रेक्शन एंगल है ये भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अच्छा अब मैं ये भी मिटा रहा हूं ये पार्ट, तो आपने समझ लिया एंगल ऑफ डिविएशन जब अपनी मिनिमम वैल्यू हिट करेगा तो क्या क्या होगा, वो आपको मैंने समझाया अभी। ये इक्वेशन क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, चलो मैं यूज कर लूंगा इसको बाद में। और क्या होगा, और याद रखो क्यू आर विल बिकम पैरेलल टू बेस बी सी, इन्हीं के ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम वाले में। कैसे क्वेश्चन आते हैं ये लिखना नहीं, ये उन्होंने प्रिज्म बना दिया, ये एक रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट आ गई ऑप्शन ए, और एक डायग्राम उन्होंने ये बनाया, ये और ये रे ऑफ लाइट बेस के पैरेलल हो गई, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। थर्ड उन्होंने डायग्राम बनाया, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई फिर ऐसे चली गई फिर ऐसे निकल गई, ये ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। तो अब जब रे ऑफ एंगल ऑफ डिविजन की मिनिमम वैल्यू होती है तो इनमें से कौन सा, एक और डायग्राम ऐसी कुछ कुछ बना देंगे, रे ऑफ लाइट को सीधे यहां से ऐसे पास कर देंगे, कौन सा डायग्राम बिल्कुल
करेक्ट एंगल ऑफ डिविजन के मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन बी, क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर है इट बिकम्स पैरेलल टू द बेस। ये वो प्रॉब्लम है जो बच्चों को एग्जाम में आती है। अगर बच्चे ने थ्योरी मिस किया, थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मिस किए होते हैं ना, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। हाँ, हम जानते हैं जब डेल्टा मिनिमम वैल्यू हिट करता है तो क्या क्या होता है बच्चों, एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार 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 इसको बता रहा हूँ। आई इक्वल टू हो जाता है ई के, आर वन आर टू दोनों इक्वल हो जाते हैं, और हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर इट बिकम्स पैरेलल टू द बेस। रिमेंबर 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 रिमेंबर, ठीक, ये मिटा रहा हूँ, ये कॉम्पिटेटिव में आ चुका है, ये मिटा रहा हूँ, ये जब कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में आएंगे तब देखेंगे इसको हम बाद में। ओके, अब मुझे इन वैल्यूज को यूटिलाइज करके ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो देखो, इस कंडीशन में फ्रॉम इक्वेशन सिक्स, फ्रॉम इक्वेशन सिक्स, तो ये दोनों आर वन आर टू इक्वल हो गए, दोनों को आपने आर मान लिया, तो टू आर इक्वल टू ए, तो आर की वैल्यू आई ए बाय टू, ये इक्वेशन नंबर हो गया मेरा सेवन। फ्रॉम इक्वेशन सेवन, फ्रॉम इक्वेशन सेवन ये कंडीशन फुलफिल करें, आई और ई इक्वल हो गए, तो टू आई इज इक्वल टू ए प्लस, कब होगा ये, जब डेल्टा मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा, जब डेल्टा हो जाएगा डेल्टा मिनिमम के बराबर, तो आई और ई इक्वल हो जाएंगे, आई और ई इक्वल हो जाएंगे, आई और ई इक्वल हो गए, तो आई प्लस आई टू आई, तो टू आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू आएगी ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू। ये कौन सा इक्वेशन हो गया मेरा, इक्वेशन नंबर एट हो गया। फॉर्मूला ऑलमोस्ट 99.9 डिराइव हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल आपने आसानी से समझा होगा मुझे यकीन है। चलिए अब एक बार दोबारा बोल रहा हूं, देखो इसको याद रखता, देखो इसको याद रखता। ओके चलिए, हम अब क्या करते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला फाइनली लिख दे। क्या होता है, स्नेल्स लॉ आ गया दोबारा, एन इक्वल टू क्या होता है, हा एन इक्वल टू होता है, हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। दिस इंप्लाइज दैट एन इज इक्वल टू साइन, आई की वैल्यू कितनी है ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू होल अपॉन साइन, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है ए बाय टू। ये कहलाता है हमारा प्रिज्म फॉर्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट। रिमेंबर एन और म्यू एक ही बात है, दोनों का सिंबल सेम यूज होता है, एन भी यूज होता है म्यू भी यूज होता है, इसको म्यू भी लिख सकते हैं म्यू। तो बच्चों आपको कितना आसान लगा होगा ना फॉर्मूला, ये मुझे उम्मीद है कि आपने सबने एंजॉय किया होगा। जरा इसको नोट कर लो, एक प्रॉब्लम क्यों नहीं करें यार इसके ऊपर बेस्ड। मैं एक सीधे ही आईआईटी की प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, घबराना नहीं। अब यार ये तो सीधे एक फॉर्मूला ड्राइव किया, सीधे आईआईटी के ऊपर ले गई है एकदम से। मुझे यकीन है कि आप अगर इसको सीरियसली फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम समझ लोगे। मैं डिफिकल्ट प्रॉब्लम कराने का मतलब सिर्फ इतना सा है, खासकर उन बच्चों के लिए जो एम्स या नीट वाले हैं, उन बच्चों के लिए। बट आप डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम आप करोगे तो आपको तो ये आपके एम्स और नीट के प्रॉब्लम तो बहुत आसान लगेंगे। तो देखना, मैं आपको एम्स और नीट के भी कराऊंगा, आप वो पहले ये करा रहा हूं, थोड़ा उल्टा चल रहा हूं आज, पहले सिंपल फिर और डिफिकल्ट, फिर और डिफिकल्ट आज थोड़ा, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट काफी टॉपिक काफी एडवांस हो गया ना, तो आज पहले डिफिकल्ट करा दूं, अब फिर देखना कि ये आसान वाले तो बच्चे चुटकियों में करें। तो अब इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करा रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है, चलो मैं देखता हूं क्वेश्चन क्या है, ये मिटा देता हूं। ओके, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ग्लास का 1.5 है गिवन, एंड और क्या गिवन है, cos 41 डिग्री की वैल्यू
0.75 गिवन है, ठीक है। तो अब मुझसे पूछ क्या रहे हैं, मुझसे ये पूछ रहे हैं कि साहब आप दो चीजें निकालिए, बल्कि एक एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है ये फाइंड आउट करिए, और ये ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए 41 डिग्री, ऑप्शन बी 82 डिग्री, ऑप्शन सी 62 डिग्री, ऑप्शन डी 31 डिग्री। दिस इज ऑल व्हाट वी आर गिवन। डेल्टा एम इक्वल टू ए दिया है, एंगल ऑफ डिविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों इक्वल दिए हुए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ, दैट इज 3/2 भी लिख सकते हैं इसको, और cos 41 की वैल्यू इतनी दी हुई है, बोल रहे हैं एंगल ऑफ प्रिज्म कैलकुलेट करके बताइए, ये कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। ये प्रिज्म फॉर्मूला ये यूज करेंगे, सिंस चलो n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m बाय 2 होल अपॉन साइन ए बाय 2 है ना। अच्छा अब n कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है, साइन ए प्लस और डेल्टा m और ये दोनों इक्वल है, तो इसको मैं 2a लिख दू, 2a बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों, IIT के है ना, IIT एडवांस की है, बल्कि ये IIT एडवांस की प्रॉब्लम है, ये ईयर बताऊंगा अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो 3/2 साइन 2a/2। अब यहां इक्वेशन नंबर 1 मारे, थोड़ा सा चक्कर यहां है। अच्छा आप सोच रहे होंगे यार ये प्रॉब्लम क्यों करवा रहे हैं, इसका एक रीजन है, जो फॉर्मूला अभी हम यूज करने वाले हैं वो आपको अल्टरनेटिंग करंट एसी में यूज करना होगा, और वो फॉर्मूला आपको कहाँ यूज करना होगा, वो फॉर्मूला आपको अगले चैप्टर यानी वेव ऑप्टिक्स में यूज करना है। तो जानबूझ के प्रॉब्लम लेके आए हम आपके लिए, ओके। तो अब यह साइन ट्वाइस ए बाय टू, साइन टू थीटा, साइन थीटा ये और साइन टू थीटा ये, तो साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला याद रखो, साइन टू थीटा, बच्चे फटाफट बोल देंगे क्योंकि आपने 11 पे बहुत यूज किया हुआ है, ये होता है साइन टू थीटा, यस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, जब आपको याद आ गया होगा ना, जब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था डिस्कस, मैक्सिमम रेंज हमने इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट किया था, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं। दिस इंप्लाइज दैट यू विल एंजॉय दिस प्रॉब्लम, 3/2 IIT एडवांस की प्रॉब्लम है ये, तो साइन टू थीटा की जगह क्या आएगा बेटा यहां, यस ये आ जाएगा ट्वाइस साइन ए बाय टू और कॉस ए बाय टू होल अपॉन साइन ए बाय टू, ये हो गया कैंसल। ये वाला फॉर्मूला क्या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, यूज किया हुआ है आपने, और आगे हम वेव ऑप्टिक्स में यूज करेंगे, और आगे अल्टरनेटिंग करंट में यूज करेंगे, और भी आगे बहुत यूज होगा, इसलिए जानबूझ के ये प्रॉब्लम आपके लिए लाया है, भले ही IIT एडवांस की है लेकिन आपको यूज में आनी है ये। आगे सॉल्व कर लें इसको, तो कितनी वैल्यू आई इसकी, यहां से कॉस ए बाय टू की, कॉस ए बाय टू, ठीक है ना, ये इज इक्वल टू, मीन्स ये आपने देखा होगा 2, तो कॉस ए बाय टू कितना हो गया 3/4, ये 2 यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेगा, तो कॉस ए बाय टू की वैल्यू 0.75 हो गई, 3/4 मतलब 7.75 होता है, और कॉस 41 की वैल्यू हमें गिवन है 0.75, इसका मतलब देखो बच्चों ध्यान से, a बाय 2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 41 डिग्री, इट मींस एंगल a इज इक्वल टू कितना हो गया, इट इज 82 डिग्री। उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम बच्चों आपने एंजॉय की होगी, और आपको भले ही एडवांस की है लेकिन सबने समझ लिया होगा बड़ी आसानी से। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों आज के लिए इतना ही, वी शैल कंटिन्यू विद मोर प्रॉब्लम्स एंड डिस्पर्सिव पावर इन द नेक्स्ट, एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉयिंग, टिल देन गुड बाय।